गया है। हाँ देखिए, देखिए तस्वीरों में आप देखेंगे लेकर इससे बड़ा कोई नहीं होता। तुम पेट कॉलोनी और तोड़ दिया, पीछे 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 वालों आने दो, पेट कॉलोनी और मुंह दिखाओ, ऊपर मुंह, धूप 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 ऊपर धूप, अब खड़ी हो जाओ, याचना 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 कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हाथ जोड़कर मिलने का मतलब धूप लगा कर अशोक गहलोत की तरफ से डॉक्टर साहब बताइए, दिन में यहाँ पर लगा के क्या मांग करना चाहिए, खिलाफ इस तरह से यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं 10 दिन से, अरे भाई माइक यहाँ से यहाँ से मतलब यार 10 दिन से प्रदेश की राजधानी में, पाँच दिन से मुख्यमंत्री के निवास के पास बैठी हैं। जब मुख्यमंत्री जी नहीं मिले तो इनका धैर्य टूट गया, और इन्हें मिलने जाना चाहती हैं डॉक्टर सामने सामने, तो पुलिस बल इनको मिलने नहीं देना चाहता। मेरे को डर है फिर इनके साथ बदतमीजी हो सकती है, इनको पीटा जा सकता है, मारा जा सकता है, फिर पिंच छपाई जा सकती है, इनके कपड़े खींचे जा सकते हैं, इनकी चोटी पकड़ी जा सकती है। इन्होंने हमारे राजस्थान में परंपरा है कि मुंह में धूप डालकर याचना की जाती है ताकि राजा सुन ले। हमारे राजा राजस्थान का अशोक गहलोत है, ये मुंह में डालकर मुंह में धूप डालकर धूप डालकर राजस्थान के मुख्यमंत्री से प्रार्थना कर रही है कि हम हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं
कि हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ करो और हमारे से बात कर लो। अब यहाँ बैरिकेड लगा दी, पुलिस आ गई, मुख्यमंत्री सुन नहीं रहे, इसलिए मैं वीरांगनाओं से प्रार्थना करूंगा कि आप अपने धर्म स्थल पर वापस चले। ये शोर नहीं बन रहे तो भाई नीचे कर लो इनकार। आप सबको पता है पांच दिन सिविल लाइन में हो गए, जनता के चेक से जो बंगलों में मंत्री मुख्यमंत्री बैठे हैं उनसे देश की वीरांगनाएं मिल नहीं सकती। मुख्यमंत्री जी से मिल के जाना चाहती हैं। मुख्यमंत्री जी बार बार कहने के बाद भी बुला नहीं रहे, तो मैं तो यहाँ था नहीं, मैं तो बाद में आया हूँ। ये जबरन मुख्यमंत्री जी से मिल के जाना चाहती हैं। और तो गहलोत साहब की पुलिस है, सारे हथियार लेके यहाँ पर खड़ी है। मरना चाहते हैं हम जीना नहीं चाहते, पुलिस कर्मचारी का आत्मा मरना चाहते हैं, मार दो मेरे को। इसलिए सुनो, हमारे गांव में परंपरा है, गांव में परंपरा है, ऐसे नहीं माने तो हमारे राजस्थान में मुंह के तले धूप डालकर सरकार से या किसी से बड़े आदमी से प्रार्थना की जाती है। मैं तीनों भाई इंडिया थोड़ा नीचे कर लो अपने मुंह में, यार भाई नीचे कर लो यार, थोड़ा सा नीचे करो, नीचे छत नीचे करो। अरे मुंह तो नीचे करो, नहीं हम नहीं जा सकते। अरे विजुअल बन सामने देखो भाई साहब, मैं बोल जाऊँ तुम मत बोलो, मिला सकते हो कि मैं यहाँ नहीं था। अब थोड़ी देर पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री ने फिर ट्वीट कर दिया और वीरांगनाओं के जले पे नमक छिड़क दिया, ये अधीर हो गई। और मेरी अनुपस्थिति में इन्होंने तय किया कि चाहे मरेंगी चाहे मारेंगी, हम मुख्यमंत्री से मिल के रहेंगे। गई तो भारी तादाद में पुलिस, मैं हथियार के खड़ी हो गई, बैरिकेडिंग लगा दी, मेरे को पता लगा तो मैं भागा भागा गया। और हमारे राजस्थान में परंपरा है, हमारे राजस्थान में परंपरा है, कोई भी व्यक्ति अपने मुंह में बेटे की नौकरी नहीं छेड़े, हमारी नौकरी है, धूप हमारे देवर है, उस लेकर हाथ जोड़ के प्रार्थना कर देते हैं तो सामने वाला दया करके उसकी बात पूरी करता है। तो मुख्यमंत्री जी के सामने तीनों वीरांगनाएं अपने मुंह में धूप लेकर हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और धूप लोग साष्टांग प्रणाम भी कर दिया, हे मुख्यमंत्री जी हमारी सुनो। अब इंतजार करना है उनके हृदय पिघलता है कि नहीं पिघलता, दया करके इनकी मांग सुनते हैं कि नहीं सुनते, मानते कि नहीं मानते, ये तो फिर आगे देखिए। मुख्यमंत्री जी जो है फ्रस्ट्रेशन में आ गए। मुख्यमंत्री जी को ये पता कर लेना चाहिए कि इससे पहले भी देवर को, भाई को, भतीजे को, काका को, सबको नौकरी दी हुई है। वो फाइल तो मंगवा लो मुख्यमंत्री जी, आप किस आधार पर कह रहे हो नई परंपरा डलेगी? उन्होंने ये भी दिखाया कि राजनाथ सिंह जी और यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे को वो किसकी नहीं सुन रहे, न वो राजनाथ सिंह जी की सुन रहे, न वो गवर्नर की सुन रहे, न खड़गे साहब की सुन रहे, न सचिन पायलट की सुन रहे, न एक दर्जन से ज्यादा कांग्रेस के सीनियर जो राजस्थान के नेता है उन्होंने भी कह दिया। वो तो बिल्कुल निरंकुश हो गए, वो तो रावण बन गए, कंस बन गए। अब कंस और रावण का इलाका तो इलाज तो उसी तरह से होगा जैसे भगवान कृष्ण और भगवान श्री राम ने किया। डॉक्टर वापस क्यों लेके आए इनको सीएम के घर के पास? स्थिति नहीं पकड़े क्योंकि अपना देश गांधी का देश है।